सो व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं आशीष, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोस्तों भाई, तो भाई आज दोस्तों भाई आज शराब का लास्ट दिन है और आज मैं देखो भाई पत्ते वत्ते तोड़ रहा हूँ यहाँ से। आपको पता ही होगा कि भाई शराब के टाइम पे भाई पत्तों पे जो है अपने जो पितर होते हैं, जो अपने पूर्वज होते हैं, उनको जो भाई हम अपना भोजन देते हैं, मतलब भोग लगाते हैं उनको। और ये आज भाई हमारा जो लास्ट है जो श्राद्ध है, इसमें मतलब ये होता है कि भाई सब के लिए, जितने भी मतलब कि हमारे बड़े बुजुर्ग थे, सब के लिए हमने श्राद्ध हम लास्ट वाला निकालते हैं इसमें। इसलिए सब में 7 पत्ते होते हैं और इसमें होते हैं पूरे के पूरे 16 पत्ते। तो इन पत्तों पर ही भाई हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से हम भोजन जो है अपने पितरों को, पूर्वजों को अर्पण करते हैं। मतलब कि भाई वैसे तो भाई पक्षी के लिए रखते हैं, तो हमारी मान्यता है कि भाई उनके थ्रू उनके पास पहुंच जाता हो, वो खा लेते तो वो हम सोचते हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने ही खा लिए। तो इसलिए भाई मैं तोड़ रहा हूँ पत्ते अपने घर की इस बेल से। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या बन रहा है और कैसे श्राद्ध निकलेगा। सो गाइस भाई अभी देख सकते हो आप, ये लड़का भाई तोड़ रहा पत्ते, 16 पत्ते तोड़ने कितने हो गए। इसके बाद भाई हम जाएंगे नीचे, आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या भाई जो है भोग लगाते हैं हम, जो हमारे भी सारे पूर्वजों के लिए होता है। नीचे से मत उठाइयो, 14 और 16। सो दोस्तों भाई पत्ते हमने तोड़ लिया, हम जा रहे हैं नीचे। आप देख सकते हो भाई यहाँ पर खाना रेडी हो रहा है अभी। भाई बहुत सारा खाना आज बनाया, क्योंकि भाई लास्ट तो सारे पितरों के लिए है, सारे जो हमारे पूर्वजों के लिए सही खाना है, तो इसलिए भाई सब कुछ बना रखा आज। सब देख सकते हो आप। सो दोस्तों अभी देख लो भाई, अभी हम तैयारी कर रहे हैं पत्तों पे जो भाई थोड़ा थोड़ा सारा खाना रखेंगे, और पूरी हमने निकाल के अलग से रख लिए। और दोस्तों भाई अभी बस इन पे पत्तों पे खाना रखने के बाद हम जो थोड़ी बहुत जो पूजा प्रक्रिया जो भी होगी वो करेंगे। ये यहाँ पे भाई धूप तैयार हो रही है, धूप। और इसके बाद आप देखो भाई अब ये हमने जो है खाना जो है मतलब कि पितरों का रखना शुरू कर दिया। आज हम भोग में सब कुछ दे रहे हैं, रोटियाँ पूजा वगैरह सब कुछ। सो दोस्तों भाई आप देख सकते हो कि भाई कैसे यहाँ पे हमारा जो है खाना इनके पत्तों पे भाई रखा जाता है, सारा का सारा रखा जाएगा। और ये भाई बहुत ही अच्छी हमारी जो है हिंदू धर्म के हिसाब से जो है खाना मतलब पत्तों पे रखना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शुभ माना जाता है। आपको पता ही होगा कि भाई अभी यहाँ पे तो हमारी साइड में तो कम ही हो गया, लेकिन साउथ वाले तो भाई आज भी अपना मतलब केले के पत्तों पर जो है खाना लेते हैं, जिससे कि भाई आपको है ना थोड़े बहुत नेचर के जो हैं नेचर की जो मतलब क्वालिटी है वो भी आपको मिल जाती है। प्लेट में खाने से भाई मतलब आपको कुछ नहीं मिलता, बस ये तो भाई ऐसा है कि थोड़ा सा जो फॉरनर फैशन चल गया ना अब तो हर जगह भाई, इसलिए ये सब हो रहा है। बाकी भाई सबसे बढ़िया खाना जो है वो पत्तों में खा सकते हैं, लेकिन सब ये सोचते हैं कि भाई इसमें मतलब कि गवारों वाली बात है। भाई गवारों वाली बात कुछ नहीं होती भाई, क्योंकि हिंदू धर्म में भाई हर चीज़ मतलब लॉजिक के साथ ही होती है, तो इसमें भी लॉजिक है, क्योंकि आपको प्योरिटी और सब बहुत सारा सब कुछ प्लेट को आप रोज़ मांगते हो, रोज़ उसी प्लेट में खा लेते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। पत्ता एक ही बार यूज़ होता है, इसलिए भाई ये मेरे हिसाब से ज़्यादा शुभ होता है, शुद्ध भी होता है, शुभ भी होता है। सो दोस्तों भाई आप देख लो, अब इसके बाद भाई मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या होता है। तो गाइस भाई अब शुरू हो चुकी है भाई अपना पूजा। आप देखना भाई अब कैसे क्या क्या मतलब इसमें होता पूजा में। यहाँ पे भाई जो है भोग लगाया जाएगा अब पितरों को, उसके बाद भाई जो है पक्षियों को खाना दिया जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप ये देख लो भाई कैसे क्या भोग लगाते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। कि देखो भाई दो रोटी जो है मतलब दो रोटी के जो
टुकड़े किए हैं और ये यहाँ पे रखे हैं। इनके ऊपर भाई जो भोग लगाया जाएगा और इसके बाद देखना आप, थोड़ा सा कुछ और है जो आपको देखना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग भाभी भी करते हैं श्राद्ध, जहाँ तक मुझे पता नहीं दिल्ली में क्या होता है, शहरों में, बड़े शहरों में क्या क्या कैसे करता है, बट ये करते हैं हम तो भी। सो आप देख सकते हो दोस्तों, तो दोस्तों भाई यहाँ पे भैया से खाना खिलाते हैं पक्षी को, अब उनको आवाज़ भी देंगे, अब देखना खुद ही।